दोस्तों, क्या आप अपनी व्हाट्सएप में अपना जब डीपी लगाते हैं तो आपका डीपी साइड से क्रॉप हो जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप में बिना क्रॉप किए हुए फुल डीपी कैसे लगाते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप में अपना फुल डीपी कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अगर हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम आ जाते हैं सेटिंग में और यहाँ से अगर हम अपने डीपी को लगाते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मेरा डीपी है साइड से क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखला दे रहा हूँ, जैसे एक ये फोटो है, अगर हम इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं अपने डीपी में लगाने के लिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा फोटो यहाँ पे नीचे में क्रॉप हो जा रहा है। तो अगर आप इसे बिना क्रॉप किए हुए लगाना चाहते हैं तो आप कैसे इसे लगा पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसे कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं एकदम से बैक। दोस्तों, अपने व्हाट्सएप में बिना क्रॉप किए हुए डीपी लगाने के लिए आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप इस सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा नो क्रॉप फॉर व्हाट्सएप डीपी। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यही टाइप करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ये ऐप आ जाता है, काफी बढ़िया ऐप है, 4.0 का इसका रेटिंग मिला हुआ है, काफी लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप अपने फोन में इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे अपने फोन में पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूं, तो यहां पे हम फिलहाल इसे ओपन करते हैं। और दोस्तों, ओपन हो जाने के बाद इसका इंटरफेस यहां पे कुछ इस तरह का मिलता है। तो यहां पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा क्लिक हियर टू ओपन एंड इमेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ इसके बाद आप अपने गैलरी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से अब आपकी फोन की गैलरी ओपन हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं उस फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसे मैं अपने डीपी में लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसके बाद अब यहाँ पे इस फोटो को आपको रोटेट करना होगा। तो आप अपने फिंगर से इसे यहाँ पे रोटेट कर लीजिएगा और रोटेट कर लेने के बाद दोस्तों, अब सिंपली यहाँ से चाहे तो आप अपनी फोटो की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी फोटो की बैकग्राउंड चेंज होने लगेंगी। जैसे आप साइड से देख रहे हैं, यहाँ पे अब यह व्हाइट हो गया। इसी तरह से आप अपना यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड को अब चेंज कर लिया हूँ। बैकग्राउंड चेंज कर लेने के बाद यहाँ पे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा सेव। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेव पे। यहाँ पे ऐड आए तो दोस्तों, आप सिंपली इस ऐड को यहाँ से कट कर दीजिएगा और यहाँ से अब आप कैंसिल कर दीजिएगा और इस ऐप को अब कट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपका फोटो आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो गया है। तो यहाँ से अब हम ओपन करते हैं अपने व्हाट्सएप को और यहाँ पे इस तीन बिंदु पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में। अब यहाँ पे फिर से हम अपने डीपी को लगा के देखते हैं कि अब हमारा फोटो क्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम गैलरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब देखिए, यही फोटो था, इस पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये पहले वाला फोटो था और अभी अभी मैं इस फोटो को सेव किया हूँ। तो यहाँ पे हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे ये फोटो आ गया है और बिना क्रॉप हुए ये पूरा फिट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डन। तो अब आप देख रहे हैं कि अब हमारी व्हाट्सएप का डीपी बिना क्रॉप किए फिट हो चुका है। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी फोटो को बिना क्रॉप किए हुए अपनी व्हाट्सएप की डीपी में लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।